रक्षाबंधन की कहानी। रक्षाबंधन भारत में सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। यह त्योहार भाई बहनों के बीच प्यार और स्नेह को दर्शाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम ये त्योहार क्यों मनाते हैं और कैसी दुर्लभ कहानियां हैं इसके पीछे? नमस्कार दोस्तों, आप सबका विटी सेज में स्वागत है। रक्षाबंधन से संबंधित कई कथाएं पुराणों में दर्ज हैं। आज हम उन सभी कहानियों में से सबसे प्रसिद्ध तीन कहानियां देखेंगे। पहली कहानी है राजा बलि और देवी लक्ष्मी की। राजा बलि दानशूर राजा थे और भगवान विष्णु के एक अनन्य भक्त भी थे। एक बार उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। इसी दौरान उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर आए और दान में राजा बलि से 3 पग भूमि देने के लिए कहा। लेकिन उन्होंने 2 पग में ही पूरी पृथ्वी और आकाश नाप लिया। इस पर राजा बलि समझ गए कि भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं। 3रे पग के लिए उन्होंने भगवान का पग अपने सिर पर रखवा दिया। ये देख भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। इस पर बलि ने भगवान से याचना की कि अब तो मेरा सब कुछ चला ही गया है, प्रभु आप मेरे साथ पाताल में चलकर रहें। भगवान ने भक्त की बात मान ली और वैकुंठ छोड़कर पाताल चले गए। उधर देवी लक्ष्मी परेशान हो गई। फिर उन्होंने लीला रची और गरीब महिला बनकर राजा बलि के सामने पहुंची और राजा बलि को राखी बांधी। माँ लक्ष्मी ने राजा बलि से उपहार स्वरूप अपने पति भगवान विष्णु को मांग लिया। यह श्रावण मास पूर्णिमा का दिन था और ऐसी मान्यता है कि तभी से रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। दूसरी कहानी द्रौपदी और श्री कृष्ण की है। राखी को लेकर महाभारत में भी एक कथा का जिक्र है। इस कहानी के अनुसार शिशुपाल के वध के समय श्री कृष्ण की उंगली कट गई और रक्त बहने लगा। यह देख द्रौपदी आगे आई और उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू पाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर लपेट लिया। इसी समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया कि वह एक एक धागे का ऋण चुकाएंगे। इसके बाद जब कौरवों ने द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया तो श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाकर द्रौपदी के चीर की लाज रखी। कहते हैं कि जिस दिन द्रौपदी ने श्री कृष्ण की उंगली में साड़ी का पल्लू बांधा था वह श्रावण पूर्णिमा का दिन था। कई लोगों का मानना है कि इस घटना के बाद राखी का त्योहार मनाया जाने लगा। तीसरी कहानी चित्तौड़ की रानी कर्णावती और मुगल सम्राट हुमायूं की है। भारत में रक्षाबंधन की सबसे लोकप्रिय कहानियों में से एक मुगल काल से भी जुड़ी है। रानी कर्णावती चित्तौड़ की विधवा रानी थी जिन पर गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने हमला किया था। अपने राज्य को संकट में देखा तो उन्होंने मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजी और गुजरात के बहादुर शाह के हमले के खिलाफ अपने राज्य की रक्षा के लिए मदद मांगी। राखी मिलने पर सम्राट भावुक हो गए और वह तुरंत अपने सैनिकों के साथ चित्तौड़ को आक्रमण से बचाने के लिए निकल पड़े। लेकिन वह समय पर नहीं पहुंच पाए। तब तक रानी कर्णावती सहित किले में सभी महिलाओं ने सामूहिक आत्महत्या कर डाली। हुमायूं यह सुनकर भावुक हो पड़े और बहादुर शाह के साथ युद्ध कर उसे राज्य से बेदखल कर डाला। सम्राट हुमायूं ने फिर साम्राज्य रानी कर्णावती के बेटे विक्रमजीत सिंह को सौंप दिया। तब से ऐसा माना जाता है कि बहनें अपने भाई को राखी बांधती है और उसके बदले भाई से रक्षा का वचन लेती है। तो दोस्तों, यह थी रक्षाबंधन से जुड़ी कुछ कहानियाँ। कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो हमारे चैनल विटी सेज को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।